Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is Know Your State, Karnataka. Subject is our general knowledge and current affairs. In the previous video, we will cover about the state Haryana, Know Your State Haryana. And in the second video, we will cover Know Your State Karnataka half portion. And now we'll cover furthermore about the state Karnataka. So in the previous video, we will discuss about the basic information about Bangalore date of formation, and the chief justice, governor, chief minister, ये सब हमने कर लिया था. मेजर रिवर्स जो थी कर्नाटका की, कृष्णा और कावेरी, कहाँ से कहाँ तक फ्लो करती हैं ये भी कर लिया था हमने. लेक्स बताए थे, उसके बाद वाटरफॉल्स बताया था, नोटेबल फेस्टिवल बताए थे हमने, बफेलो रेस वगैरह, ये सब. मेजर आर्ट फॉर्म कर लिया था, ट्रेडिशंस कर लिए थे, ट्रेडिशनल डांस भी कर लिया था, हिस्टोरिकल साइट एंड मॉन्यूमेंट्स ये सब कर चुके हैं हम. सो आज हम जो हैं वो करेंगे टाइगर रिजर्व. जो हम बात कर रहे हैं कर्नाटका स्टेट के बारे में, तो उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो तो हमने कवर अप कर ली थी. आज जो इसकी जो बाकी बची हुई जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम कवर अप करेंगे. तो उसमें हम सबसे पहले करेंगे टाइगर रिजर्व्स. तो कर्नाटका स्टेट में 5 जो हैं वो टाइगर रिजर्व्स हैं. और वो 5 कौन कौन सी हैं? बांदीपुर नेशनल पार्क, जो कि 1973 में जो रिज़र्व कर लिया गया था. उसके बाद है भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो 1998 में रिज़र्व हुआ था. उसके बाद है नागर होल नेशनल पार्क, जो 2000 में टाइगर रिजर्व बना था. उसके बाद है अंशु नेशनल पार्क, जो कि दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, जो कि 2006 में टाइगर रिजर्व की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया था. और जो लास्ट है वो है BRT वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो 2011 में टाइगर रिजर्व जो है बना था. ये तो हो गया हमारे टाइगर रिजर्व. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम कर चुके थे. उसके बाद है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. जब हमने स्टेट हरियाणा की बात करी थी तो उसमें 2 GI टैग्स थे, और वो GI टैग्स थे फुलकारी और बासमती. लेकिन कर्नाटका की जो GI है वो काफ़ी सारी है. तो इसकी जो लिस्ट है ये कवर अप की हुई है यहाँ पर, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा. मैं बता देती हूँ. तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में सबसे पहला है मैसूर सिल्क, मैसूर अगरबत्ती, बिदरी वेयर, चन्नपटना टॉयज एंड डॉल्स, मैसूर रोजवुड इनले, मैसूर सैंडलवुड ऑयल, मैसूर सैंडल सोप. उसके बाद है कसौटी एम्ब्रॉयडरी. उसके बाद है मैसूर ट्रेडिशनल पेंटिंग, नंजना गुड बनानास, मैसूर जास्मीन, उद्यूपी जास्मीन, हैडगली जास्मीन, इलकल सारी, कर्नाटका ब्रोंज वेयर, मोनसूंट मालाबार, अरबिक कॉफ़ी, आपे मिजी मैंगो, कमलापुर रेड बनाना, किनल टॉयज, बैंगलोर ब्लू ग्रेप्स, बैंगलोर रोज अनियन और कुर्ग ऑरेंज. तो ये सारी जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है कर्नाटका स्टेट्स की, ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट जो है हमारा, अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कर्नाटका स्टेट के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे. तो जो मोर देन 90% ऑफ गोल्ड है जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से आता है? सदरन पोर्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के सदरन पोर्ट से आता है. उसके बाद KGF के बारे में तो सबको अब पता ही होगा फिल्म के ज़रिए. तो जो कोलार गोल्ड फील्ड है कोलार डिस्ट्रिक्ट में, और जो हाटी गोल्ड माइंस हैं रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, ये जो है सबसे ओल्ड गोल्ड माइंस हैं ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड वाइड. उसके बाद जो थर्ड फैक्ट है वो ये है कि रायचूर जो है वो किस लिए जाना जाता है? उसके सिल्वर डिपॉजिट के लिए. फोर्थ वन है कर्नाटका होल्ड्स द लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ मैंगनीज ऑर इन इंडिया. द स्टेट रैंक फर्स्ट इन प्रोड्यूसिंग रॉ सिल्क, कॉफ़ी, सैंडलवुड ओरिएंटेड गुड्स. तो जो कर्नाटका है उसमें ओर्स के साथ साथ, सिल्वर गोल्ड के साथ साथ, रॉ सिल्क, कॉफ़ी और सैंडलवुड से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं. नेक्स्ट है श्रावण बेलागोला इज रिनाउंड फॉर इट्स कॉलोजल 18 मेयर हाई स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर बाहुबली, जो कि एक इम्पोर्टेंट जैन पिलग्रिमेज साइट है.
ये फैक्ट से कुछ कुछ और फैक्ट्स और हैं, जैसे कि कर्नाटका जो है वो सबसे ज़्यादा रागी जो है प्रोड्यूस करता है इंडिया में। इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रॉ सिल्क। जो भी रॉ सिल्क जो है आती है पूरे इंडिया में, उसमें सबसे ज़्यादा जो उसे प्रोड्यूस करता है वो है कर्नाटका। उसके बाद जो काइगर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उत्तर कनाडा में, वो सबसे ज़्यादा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स है सिचुएटेड नियर द कली रिवर। उसके बाद कर्नाटका इज़ रिच इन रिसोर्सेज विद सिग्निफिकेंट डिपॉजिट ऑफ वैंडियम ओर, मैग्नेटाइट आयरन ओर और टंगस्टन। मैग्नेटाइट आयरन ओर और टंगस्टन। उसके बाद जो ब्लैक ग्रेनाइट है मैसूरू की, वो भी वाइल्डली फेमस है फॉर इट्स क्वालिटीज़ के लिए। तो ये जो थोड़े बहुत फैक्ट्स रह गए थे, इन्फॉर्मेशन रह गई थी अबाउट द स्टेट कर्नाटका, वो मैंने कवर अप कर ली है, और कुछ जो है वो हमने पिछली वीडियो में कवर अप कर ली थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।